दोस्तों, जब हम अपना छत डालते हैं तो उसमें उसके साथ छज्जा भी निकालते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत जगह देखा गया है कि छज्जा निकालने को निकाल दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो छज्जा वहाँ से गिर जाता है, क्रैक कर जाता है। या फिर ऐसा भी बहुत जगह देखा जाता है कि कुछ महीनों बाद उसमें क्रैक आ जाता है, या वो जिस दिन ढलाई होता है अगले दिन ही गिर जाता है। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि जो घर का आप छज्जा निकाल रहे हैं, चाहे आप जैसा देख रहे हैं 2 फीट का हो या फिर 4 फीट का हो या फिर 5 फीट तक का छज्जा, तो कैसे बनाया जाए ताकि उसमें क्रैक नहीं आए, हमारा छज्जा मजबूत हो। और इस वीडियो में मैं जो आपको छज्जा निकालने का मेथड बताऊंगा, तरीका, वो बिल्कुल आसान तरीका है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो बालकनी के लिए छज्जा अपना 3 फीट का निकाल लें, 4 फीट का निकाल लें। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप उसके ऊपर टॉयलेट भी बना सकते हैं, किचन भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो पीछे से छत का बंधाई हो रहा है, ये जैसे मैं आपको कमरा दिखा रहा हूँ, ये 15x12 का ये कमरा जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये इस सरिया इसमें बांधा गया है। अब इसमें आपको क्रैंक सरिया भी दिख रहा होगा, और आगे आप जब इसमें जाएंगे, आगे मैं बढ़ के आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आगे का पोर्शन जो दिख रहा है, ये छज्जा आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से ये बीच में बीम दिख रहा है, बीम के आगे आपको यहाँ पे छज्जा दिखाई दे रहा है, ये 4 फीट का छज्जा है सामने वाला। और एक यहाँ आप टॉयलेट का छज्जा देखेंगे जो कि यहाँ पे 6 फीट आगे निकला हुआ है। अब मैं इस छज्जे के बारे में बता दूं तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो साइड का आप बीम देख रहे हैं, ये साइड का बीम पीछे से कंटिन्यूस आया है, और ये बीच में आप बीम देख रहे हैं, यानी कि एक टॉयलेट का और एक बालकनी के छज्जे को डिवाइड करने के लिए दिया गया है, जो कि मेन बीम के से फंस के जा रहा है। अब ये जो बीच वाला बीम है, इसमें जो सरिया हमने यूज किया है 16 mm का, यहाँ पर 4 सरिया दिया गया है, जो कि 2 सरिया आप नीचे देख सकते हैं और 2 सरिया आप ऊपर देख सकते हैं। रिंग 8 mm का दिया गया है, यानी ये भी लटक बनाया गया है जिसकी गहराई 1 फीट है। और ये साइड वाला जो बीम देख रहे हैं, साइड वाले बीम में 12 mm का 3 सरिया टॉप में रखा गया है, और 12 mm का ही 3 सरिया बॉटम में रखा गया है नीचे की तरफ, और इसमें भी रिंग 8 mm का दिया गया है। रिंग से रिंग के बीच की जो दूरी रखी गई है वो यहाँ पे 6 इंच रखा गया है। और ये जो साइड वाला बीम है दोस्तों, ये पीछे से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉलम के पास से इसको ब्रेक कर दिया गया हो। इस साइड भी आप देख सकते हैं, ये जो बीम है आप देख सकते हैं पीछे से हमारा चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि छज्जे के लिए हम जो बीम जो देंगे उसको यहाँ पे अलग से हम ज्वाइन करेंगे या अलग से बनाएंगे, आपको अलग अलग टुकड़ों में नहीं देना है, एक ही बीम आपको पीछे से ले आना है। पूरा वो पीछे से लोड लेके आएगा और पूरा छज्जे तक लटक होके जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, बीच में जब यहाँ कॉलम मिलता है तो क्या करते हैं कि रूम का यहाँ तक बीम दे देते हैं, फिर उसके आगे से छज्जे के लिए अलग से बीम दे देते हैं, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे जॉइंट आ जाता है। तो मान लीजिए कि छज्जे पे आपका लोड पड़ता है, शियर फोर्स पड़ता है, तो छज्जा आगे की तरफ झुकता है, तो वहाँ से क्रैक आने का डर रहता है, वहाँ से छज्जा का जो सरिया है वहाँ से वो खुल सकता है, तो छज्जा इसी वजह से वहाँ क्रैक आता है या गिर जाता है। तो इसलिए जो बीम आपको देना है वो पूरा पीछे से आपका बीम आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छज्जे तक आप बीम देंगे, ठीक है। तो एक तो आपको पहले ये मैं बता दूं कि छज्जा जो आपको बनाना है, चाहे आप बड़ी बालकनी के लिए निकाल रहे हो, 3 फीट के लिए निकाल रहे हो, 2 फीट के लिए निकाल रहे हो, आपको जो बीम देना है वो कंटिन्यूस पीछे से चला आना चाहिए, ठीक। और लटक बीम आप दें तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। लोग क्या करते हैं, छज्जे में कंसील्ड बीम जो ऊपर ऊपर दिया जाता है वो दे देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लटक बीम दें तो सही है। 1 फीट का आप लटक बीम वहाँ पर दे दें, फिर आप चाहे 4 फीट का छज्जा निकाल लें, 5 फीट का निकाल लें। अब जैसा कि ये बीम देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि टॉप में 3 सरिया 20 mm का दिया गया है, और नीचे में भी 3 सरिया यहाँ पर 20 mm का दिया गया है, यानी जो ये लटक है, ये लटक बीम बन रहा है जो कि पीछे से हमारे जितना भी कमरा है 30 फीट के पीछे से आ रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ छज्जे के लिए हम यहाँ पे अलग से बीम बना रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूस बीम लेना है। पहला चीज़ ये याद रखना है कि बीम आपको टुकड़ों में, यानी कि ये देखिए यहाँ पीछे से आपको ये बीम चलता हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉलम से मैं दूसरा बीम बना दिया हूँ। आपको मैं पीछे यहाँ दिखा दूँ कि ये कितना लंबा, आप देखेंगे वहाँ से ये बीम स्टार्ट हुआ है और पूरा यहाँ कॉलम को पास करते हुए जितना हमारा छज्जा आगे लटका है 5 से 6 फीट, उतना तक ये कंटिन्यू बीम जा रहा है। और तो ये जहाँ भी आपको छज्जा देना है कंटिन्यूस आपको लटक बीम लेके चलना है। और अब जो छज्जे में सरिया होता है, यानी छत में जो सरिया बांधा जाता है, तो छज्जे में भी हम जाल बांधते हैं,
तो जो छज्जे में सरिया होता है वो आपको कैसे बांधना है। अब देखिए, वो भी आपको टुकड़ों में नहीं बांधना है। सबसे पहले मैं बता दूं, वो क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ छज्जे में सिंगल जाल आपको दिख रहा है, तो छज्जे में जो 10 mm का यहाँ पे स्टील नीचे में भी और ऊपर में भी आप यूज करेंगे। और देखिए, ये छज्जे में जो सरिया जा रहा है, ये पीछे रूम से जो कंटिन्यूस सरिया आया है वही आगे बढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छज्जे के लिए आप अलग से वहाँ जाल बांधेंगे। ये पीछे वाला जो रूम है जिससे हमारा छज्जा अटैच है, इसी से ये कंटिन्यूस हमारा क्या है, छज्जा पे सरिया चढ़ता गया है। यानी हमने इस सरिया को काट के ही नहीं कि बीम पे यहाँ ख़त्म कर दिए हैं फिर वहाँ से दूसरा दिया, नहीं, ये देखिए आप कंटिन्यू, आप जो देख रहे हैं क्रैंक का ये जो सरिया है, ये पूरा सीधा एकदम हमारे छज्जे पे चढ़ते हुए जा रहा है। तो आपको सरिया जो छज्जे में बांधना है जाल, वो कंटिन्यूस देना है, चाहे क्रैंक का हो या फिर नीचे का मेन बार हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार हो, आपको रूम के साथ ही उसको अटैच रखना है और कंटिन्यूस सरिया बांधना है।